विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष पर भगवा पटका पहनने के आरोप भी लगाए, जिस पर वन मंत्री राकेश पठानिया भड़क गए और भगवा रंग को देश की शान बताया। इसे पहनकर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गलती नहीं की है, ऐसा पठानिया का मानना है। सत्र के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राकेश पठानिया ने कहा कि भगवा रंग हिंदुत्व की निशानी है और इसे अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें नाज है कि वे भगवा रंग पहनते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए पूरी तरह बौखला चुकी है और विधानसभा के अंदर आज घोषणाएं तक कर रही थी। उन्होंने कहा कि करुणामूल को नौकरी देने, आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने तथा पुलिस वालों को नियमित करने की घोषणा आज सदन में हुई, लेकिन वास्तव में ये सभी कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ही पुलिस कर्मियों के लिए काला कानून बनाया गया था और ओपीएस खत्म भी इन्हीं के समय हुआ था। राणा कराए हैं तो आरएसएस का जो एजेंडा है उसको सदन के ऊपर थोपा जा रहा है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भगवान हिंदुस्तान में गले में पटका पहनना पाप है? इज इट अ क्राइम? कमाल हो गया भाई साहब, ये तो मैं मेरे मेरे को तो ये आपका प्रश्न गले से नहीं उतर रहा। अपने देश में मैं भगवानी पहनूंगा तो पाकिस्तान जाके पहनूंगा मैं? वेयर विल आई वेयर द भगवान इन इन लाहौर और इन सम अदर कंट्री? ये हमारी देश की शान है, ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है, उसके लिए भगवान हमारे शान है। हर हर मंदिर, हर मंदिर के ऊपर भगवान लहराता तो क्या हमें शर्म आती? मुझे नहीं लगता कि भगवान पहन के जाना स्पीकर की कोई अपानता थी। ये देश का रंग है, हमारा हिंदुत्व का रंग है, हमें उससे वी आर प्राउड ऑफ इट, हमें नाज है इस रंग के ऊपर। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने 12 और 17 के बीच में क्या किया, तब आपके लिए सब कानून ठीक हो जाते हैं। आप करुणामूल के आधार के ऊपर आपने कितनी नौकरी बांटी? आप करुणामूल के आधार के ऊपर आपने 50 के ऊपर ब्रेक लगा दी। जो कर्मचारी 50 साल के ऊपर टाप जाएगा वो करुणामूल के अंदर आएगा नहीं। हमने 50 को बढ़ा के 58 किया, 58 भी ऐसा किया कि जिस दिन उसकी लास्ट डे ऑफ सर्विस है उस दिन भी अगर उसका देहांत होता तो उसके बच्चे उसके लिए एलिजिबल है। इतना बड़ा कानून हम लेकर आए, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के स्टेट करें 20 साल में इतनी करुणामूल के आधार की नौकरी नहीं दी जितनी हमने पिछले 4 साल में दी, और हम 31 मार्च तक इनका पूरा बैकलॉग जो है 4200 का खत्म करने वाले हैं। हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल बकवास किया, आपने केवल झूठ बोला। आप पुलिस की प्रतिबंध आप लगाए भुगते हम, 50 साल का प्रतिबंध आप लगाए भुगते हम, ओपीएस आप मांगे 170 करोड़ के लिए भुगते हम। आप केवल झूठ बोलने के लिए विधानसभा आगे घोषणा करने के लिए यहाँ पर रखेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश की पब्लिक आपको बख्शने वाली नहीं है। मेरे से आप कोरे कागज पे जहाँ लिखवाना लिखवा लीजिए। हमें इन 4 चुनाव हारने के बाद जो होश आई है, जो हमको एक सीख मिली है, मैं आपको विश्वास से कहना चाहूँगा 22 में एक बार फिर भाजपा की सरकार एक बार फिर भगवान लड़ रहा है। पता नहीं स्पीकर साहब ने आपको अलाउ करना था या नहीं करना था, पर उनके रूलिंग आने से पहले ही आप वॉकआउट करके वेल में आ रहे हो। फिर आप दुनिया भर की घोषणाएं आज अंदर विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। आप करुणामूल के ऊपर आप नौकरी सबको आज बांटा है, आपने आउटसोर्स वालों को सबको आज पक्का कर दिया, आपने ओपीएस आज इशू कर दिया, आपने पुलिस वाले आपने रेगुलर कर दिए। मेरे को समझ नहीं लगता ये झूठ का परिंदा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई पीएचडी की क्लास लगी हुई झूठ बोलने की। जिस तरीके से ओपीएस किसने एक्सेप्ट किया? वीरभद्र सिंह ने। ये पुलिस वालों को काला कानून किसने पास किया? आपकी सरकार ने पास किया, 15 में आपने पास किया, और 12 से 17 तक आउटसोर्स पे थोक में भर्ती किसने की? आपने की। आज बकवास करने के लिए हम रह गए, सुनने के लिए हम रह गए। विधानसभा में आप दुनिया भर की घोषणा करने, आज आप बोल रहे हैं कि हम ओपीएस देंगे। आपने पंजाब में क्यों नहीं दे दिया ओपीएस? आपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे दिया ओपीएस? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिया ओपीएस? आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे ओपीएस? आपकी कभी दिल्ली में सरकार बनेगी? आज 450 से आपके पास बूंजा एमपी रह गए, बूंजा एमपी वाले विपक्ष, और जिसको ममता बनर्जी कहती है कि यूपीए अब कोई चीज़ ही नहीं है, देर इज नथिंग नोन एज यूपीए। आप आज आप ऑपोजिशन की मेन धारा में भी नहीं है दिल्ली में। आप आज इस देश के राष्ट्रीय मानचित्र से गायब हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की तरफ आगे ये दुनिया बढ़ रही है और आप ओपीएस दे रहे हैं, आप दुनिया भर की नौकरी दे रहे हैं। ये सारा मसला जो हल होगा वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। हमने ओपीएस के लिए भी कमेटी का गठन किया है, हम बहुत जल्द आउटसोर्स की पॉलिसी भी लेकर आने वाले हैं, और जहाँ तक रही पुलिस वाले की बात उसके भी हमने जो है कमेटी का गठन किया हुआ है। इन सारे विषयों को हम एड्रेस कर रहे हैं। आप जो कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ आज घोषणा कर रहे हैं। इससे आज लग रहा था पता विधानसभा के अंदर कि आप सत्ता पाने के लिए कितने पागल हो रखे हैं।
कितना बुरा हाल है आपका बिना विपक्ष के, आप मुख्यमंत्री कहाँ चले गए? अरे भाई ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री जी चेयर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाएगा अपने स्टेट का, वहाँ पे जाके पक्ष रखेगा, अपने पक्ष की लड़ाई रखेगा? हमारे भारत सरकार में अरबों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री का काम होता है जैसे एक विधायक आगे विधानसभा में अपने क्षेत्र के बारे में लड़ाई लड़ता है, वैसे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के बारे में दिल्ली में जाकर लड़ाई लड़ता है। आज ऑल इंडिया चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नहीं जाएगा तो तुम जाओगे क्या? और उसके बारे में आज विधानसभा के अंदर आप बकवास करें कि मुख्यमंत्री कहाँ गायब हो गया? मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए काम के लिए गया है, तुम्हारी याश करने नहीं गया, सैर करने नहीं गया, जैसे राहुल गांधी जाते हैं इटली में सैर करने के लिए, वैसे नहीं गया। हमारा मुख्यमंत्री काम करने के लिए गया, इस प्रदेश की हक की लड़ाई लड़ने के लिए गया, दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वाराणसी गया, इसलिए मुख्यमंत्री आज बाहर। ये मुझे आपसे